एक निजी वेबसाइट के ठिकानों पर दिल्ली एनसीआर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और ईडी का बड़ा एक्शन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निजी वेबसाइट है उसी पर ये बड़ा एक्शन। निजी वेबसाइट पर चीन से फंडिंग लेने का आरोप है और इस फंडिंग के जरिए, चीनी फंडिंग के जरिए भारत में दुष्प्रचार का आरोप इस निजी वेबसाइट पर। पुलिस ने इस निजी वेबसाइट से जुड़े कई पत्रकारों के घर पहुंचकर इस रेड को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और ईडी की तरफ से यह एक्शन किया जा रहा है। पुलिस ने कई लैपटॉप, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क का डेटा जब्त किया है। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत केस भी दर्ज किए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, एक निजी वेबसाइट और इस निजी वेबसाइट से जुड़े लोगों पर ये एक्शन। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, वरुण जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अहमद बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको वरुण के पास लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं वरुण से अभी तक का अपडेट क्या है, दिल्ली एनसीआर में कितनी जगह पर और सुबह कितने बजे से ये रेड जो जारी है। वरुण देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज सुबह करीब 6 बजे के आसपास एक वेब पोर्टल से जुड़े जो अलग अलग ठिकाने और उससे जुड़े कई पत्रकारों के यहाँ पर एक साथ छापेमारी करी। कई लैपटॉप, कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और जो मोबाइल है वो जब्त किए हैं। और आपको बता दूं रुमाना, अभी भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो ये रेड है चल रही है, यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। स्पेशल सेल की ये कोई पहली सर्च ऑपरेशन नहीं है, इससे पहले कुछ समय पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी कार्रवाई की थी, यूएपीए के तहत मामला दर्ज करके छापेमारी की थी और तब आरोप ये लगा था कि एक चीनी नागरिक के जरिए करीब 38 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है वो इस वेब पोर्टल को मिली थी, जिसके बाद चीन के फेवर में एक खबरें चलाई जाती थी और भारत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाकर एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था। कहीं ना कहीं जो देश विरोधी एक्टिविटी थी वो की जा रही थी और उसके बाद जो एविडेंसेस मिले वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के साथ शेयर किए और आज दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये छापेमारी की है। जी रहिए मेरे साथ, लौटूंगी आपके पास, अहमद बिलाल का रुख करेंगे। अहमद बिलाल, सवाल ये कि क्या कुछ गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में मुमकिन नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए रुमाना, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको उस निजी न्यूज पोर्टल का दफ्तर जो है वो आपको दिखा दूं। दक्षिणी दिल्ली के साकेत इलाके में ये दफ्तर जो है वो स्थित है और ये जो बिल्डिंग आप सफेद कलर की देख रही हैं, इस बिल्डिंग के पहली मंजिल पर ही ये इस न्यूज पोर्टल का दफ्तर जो है वो स्थित है और जो है वो ACP लेवल के अधिकारी जो स्पेशल सेल के हैं वो अभी अभी जो है कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं। रेड हालांकि जो है वो सुबह से ही जारी है और सिर्फ इस दफ्तर पे नहीं, इस दफ्तर से जुड़े जो पत्रकार हैं उनके घरों पर भी जो है वो रेड्स जो है वो जारी हैं और सूत्रों के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, चाहे उनमें फोन की बात कर लें या लैपटॉप की बात कर लें, हार्ड डिस्क हो गई, इनसे जो एविडेंस है उनको भी जो है वो दिल्ली जो स्पेशल सेल है उसको जब्त कर लिया गया है और वहां पे जितने भी जो डेटा हैं वो खंगाले जा रहे हैं। जो आरोप लगे हैं कि चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप जो है वो इस पोर्टल के ऊपर लगा हुआ है और साफ तौर पर जो देश की संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, उससे जो है वो छेड़छाड़ के आरोप हैं। तो जाहिर तौर पर ये रेड जो है वो आज सुबह से ये निजी न्यूज पोर्टल के दफ्तर पे चली है और इसके अलावा और भी कई मल्टीपल लोकेशंस हैं जहां पर ये रेड जो है वो चली है। गिरफ्तारी की जहां तक बात है तो अभी तक कोई ऐसी खबरें जो है वो नहीं आ रही है। अभी जो स्पेशल सेल का काम है वो सबूत इकट्ठा कर रही है, सबूत की पहले जांच की जाएगी, उसके बाद ये मुमकिन है कि अगर कुछ इस तरीके की कोई चीज सामने आती है तो गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।